क्या चोरिया पूरे मथुरा में? हाँ भैया, कल तो हमारी कॉलोनी में भी चोरी हो गई। अब सारे मालिक लोग नौकरों के पहचान पत्र और पेपर मांगकर पुलिस को देंगे। सब नौकर पर ही शक करते हैं। क्या जमाना आ गया। वैसे इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे परिवार का हमारे ऊपर पूरा भरोसा। चलो तुम दो उन्हें अपने कागज। ओ काले सांप, कौन कौन से पेपर हैं तेरे पास? जमाई बाबू, हमारे पास सिर्फ आज का अखबार है। इसके पहले की रद्दी हमने भेज दी। अगर आप कहते ना तो। चुप कर खचाड़ू माल, अखबार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, तेरे खुद के अपने कागजों के बारे में पूछ रहा हूँ। होंगे ना तेरे पास ऐसे कागज जिसपे तेरे जामुन जैसे चकोटे की तस्वीर होगी, तेरा गांव का पता होगा, तेरी उम्र लिखी होगी। अब सारे मालिक लोग नौकरों के पहचान पत्र और पेपर मांगकर पुलिस को देंगे। नहीं नहीं, हमारे पास ऐसे कोई कागज पत्र नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? हमने कहा ना कि हमारे पास नहीं है कागज पत्र और हमारे पास समय भी नहीं है। फिर वही आपको फीकी दाल और जली हुई रोटी मिलेगी, फिर आप हमारे पर भड़किएगा मत। भड़कूंगा नहीं, तुझे किस दिन कड़कूंगा मैं। का मतलब कि हमारे कागज पत्र पुलिस को देने ही नहीं, अब हम पर इतना भी भरोसा नहीं रहा। अजाब गजाब घर जमाई। चिंटू बेटा, बड़े लाल ने कुछ बताया क्या? अरे कहाँ नानू, कुछ नहीं बताया बेकूफ आदमी ने। वो बेकूफ आदमी मेरे साथ सांप सीढ़ी खेल रहा है। मैंने उससे कागज मांगे तो टलम टोल करने लग गया बेकूफ आदमी। ओहो चिंटू जी, लेकिन अगर उन्होंने कागज नहीं दिए तो फिर काम कैसे होगा? चिंटू जमाई जी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप उन्हें सच सच बता दीजिए ना कि उनके पेपर क्यों चाहिए। ओहो मेरी भोली भाली सासू माँ, नहीं अभी नहीं बताना पड़े लाल जी को। भाई देखो, हम उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, तो अभी नहीं बता सकते। अगर उनको शक हो गया ना कि सब में हमारी प्लानिंग है, तो शायद हो सकता है कि वो कागज देने से इनकार कर दे। हैं? इसलिए तब तक आई बात समझ में। मालकिन जी होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमारे साथ ये सब करने की। आखिर हमारा पहचान पत्र तो वही थी। बड़े लाल जी, ये तो बहुत गलत किया साड़ू भाई ने, मतलब वो भी आपके साथ जो कि इतने सालों से इस घर की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हम पर ही चोर होने का शक कर रहे लोग, हम पर जमाई बाबू। बड़े लाल जी, मैंने तो सुना है ये पेपर्स ना पुलिस स्टेशन दिए जाते हैं और फिर वो पुलिस जो है ना वो गांव में जाके पूछताछ करती है। अब पुलिस तो पुलिस है ना। हाँ, गांव में जब पुलिस आती है जमाई बाबू तो कितनी बदनामी होती पता है। अम्मा बाबू जी की तो नाक कट जाएगी। कैसे समझाएंगे हम उन्हें कि बड़े लाल जिस परिवार को अपना मानता है, अपना समझता है वो परिवार। बड़े लाल जी, ये साड़ू भाई ने आपको किस मुसीबत में डाल दिया? खैर छोड़िए, आपने अपना ध्यान रखिए और धीरज रखिए, धीरज, सब ठीक हो जाएगा। इस घर में कोई तो हमारा होगा, कोई तो हमारी मदद करेगा। हाँ, बाकी बिहारी अब तुम ही राह दिखा। क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है नाना जी, लॉली दीदी और महान जी जो आ रहे हैं 2 दिन के बाद। सच्ची में? हाँ बाबूजी, लॉली का फोन आया था अभी। खूब जमा कर रख, जब मिल बैठेंगे तीनों यार। मेरे मतलब तीनों जमाई। हाँ, डॉली बहुत सारी तैयारियां कर ली है अभी तो। हाँ, मम्मी शाम से तैयारियां शुरू कर देंगे। हाँ। मैं जाके उसको बोलता हूँ, अभी चिंटू को बोलता हूँ। हाँ, हाँ, बता तो। सारे मथुरा में चोरियों से आम जनता परेशान है। पुलिस ने कहा है कि वो छोटे मां के नाम में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो बड़े लाल जी, उन्होंने जनता को भी अपनी तरफ से सावधानी बरतने की हिदायत दी है। डॉली बेटा, हमने अक्सर देखा है इस तरह की चोरियों में ना घर के ही किसी आदमी का हाथ होता है। हाँ हाँ मम्मी, अब तो सबको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान इंडिया, सावधान मथुरा, सावधान सावधान शक्तिशाली परिवार। वही तो बोल रहे थे ना मम्मी, सावधान शक्तिशाली परिवार। हाँ। अरे बड़े लाल जी, आप कुछ कह रहे थे? वो मालकिन, हम भूल गए। भूल गए? अरे डॉली, ये बड़े लाल जी ने कागज दिए कि नहीं दिए? जाने क्या होगा अब।
ये तो मुझे भी नहीं पता। दो तीन अलग अलग तरीकों से मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की कि कागज कहाँ है, पर बेवकूफ हर बार कोई ना कोई अलग अलग बहाना बना देता है। पता नहीं कौन से बहाने बनाने की मशीन फिट करा रखी है उसने। कौन लाएगा उससे कागज? हम है ना चिंटू जी, हम ले लेंगे। आपकी अर्धांगिनी जो है, आपकी हर कमी हम ही तो पूरा करेंगे। कमी कमी डोली जी, अगर चिंटू चौटाला अपने पे आ जाए ना, हाथ लगाने की जरूरत नहीं हो सांप को, पैर से कुचल के सारा जहर बाहर निकाल दूंगा उसका। कागज नहीं निकल रहे मेरे से। वही तो चिंटू जी, ये काम हम बड़े आराम से कर देंगे। हाँ, और अगर ये ना कर पाए तो हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बड़े लाल जी हमें मना नहीं कर सकते। हाँ सही है, पर अगर तुम बच्चों से नहीं हुआ फिर हम मैदान में उतर जाएंगे और बाजी मार लेंगे। शाबाश, बहुत सही। तो उतर जाओ मैदान में मेरे चूहो, मेरा मतलब शेरो, शक्तिशाली खानदान के शेरो। Come on! Come on! इतना दुख तो हमें तब भी नहीं हुआ था जब हमारी अम्मा ने हमें उल्टा पैन पहना कर नत्थु के पेड़ से आम तोड़ने के लिए भेज दिया था। उस रंगीली ने हमारा कितना मजाक उड़ाया था। बड़े लाल जी। हाँ डॉली दीदी। बड़े लाल जी, वो क्या है ना, आप तो जानते ही हैं शहर में कितनी चोरियां हो रही है। अच्छा तो ये कि आपका कोई भी जरूरी सामान अगर हो ना, तो आप हमारे पास रखवा दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा। डॉली दीदी, हम ठहरे गरीब आदमी, हमारे पास कैसा सामान? नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि कोई भी जरूरी कागज, राशन कार्ड वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, वैसे भी हमारे संदूक में भीम जैसा विशालकाय ताला लगा हुआ है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। डॉली दीदी, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। बड़े लाल जी। हाँ छोटी मालकिन। बड़े लाल जी, आपके पास आपकी कोई फोटो है? क्यों छोटी मालकिन? हम सोच रहे थे कि आपकी फोटो बाल गोपाल जी के चरणों में रख दे, इससे ना पुण्य मिलता है, भाग्य बढ़ता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है छोटी मालकिन, और वैसे भी हमारे साथ तो बड़ी मालकिन का आशीर्वाद है। जब से हम उनके साथ आए हैं हमारा भाग्य ही बदल गया है। हाँ, आप एक काम करिए, आप चिंटू जमाई जी की फोटो रख दीजिए, उनको पुण्य की बहुत जरूरत है। हाँ छोटी मालकिन, आप भी। लाल नाना जी, हम ना ही आपको अपना पहचान पत्र देंगे, ना ही राशन कार्ड और ना ही फोटोग्राफ, आप हमें माफ कर दीजिए। बड़े लाल जी, जमा एक सेकंड, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो सिर्फ आपका हालचाल पूछने आया हूँ। अब क्या बताए जमा बाबू, ऐसा लगता है कि अविश्वास के कीड़े ने सबके दिमाग को काट लिया है, सब लोगों को हमारे कागज चाहिए। अरे बड़े लाल जी, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, इतनी ज्यादा मुसीबत झेलने से तो अच्छा है कि आप कागज दे दीजिए, आपको किस चीज का डर? अरे जमाई बाबू, हमें डर नहीं है, पर इन लोगों को विश्वास तो होना चाहिए हम पर। इतने सालों से हम मालकिन की और इस घर की सेवा करते आए हैं, मालकिन की बंदूक, नाना जी के बालों की रूसी, चिंटू जमाई जी के समोसे के बाद वाली टकार, आपके खर्राटे, डॉली दीदी के सीरियल की कहानी तक सब सहा है हमने। वैसे आप बात तो एकदम सही कह रहे हैं बड़े लाल जी, वैसे ना हो इन सब लोगों को भड़काने के पीछे ना चिंटू साड़ू भाई का हाथ ही होगा। आप सही कह रहे हैं जमाई बाबू, पहले से ही पसंद नहीं करते वो हमें, अब तो मालकिन जी के जाने के बाद हमारा पत्ता साफ करने का मन बना लिया उन्होंने। अरे बड़े लाल जी, आप ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आपको ना जाके साड़ू भाई से बात करनी चाहिए कि आखिर वो आपके साथ ऐसा कर क्यों रहे, क्यों? हाँ
हम बात करेंगे उनसे। क्या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ हाँ बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ बेवकूफ आदमी, इससे हमारा क्या फायदा हो सकता है? ऊपर तेरी जिंदगी पलट जाएगी काले सांप। हम समझते हैं आपकी सारी बातें, आपके वजह से पूरा परिवार हमारे पीछे पड़ गया है। क्योंकि सब तेरा भला चाहते हैं, तेरे बारे में सोचते हैं, समझा बेवकूफ आदमी? यही तो परेशानी है कि सब लोग सिर्फ हमारे बारे में ही सोचते हैं। फिर भी तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात नहीं घुसती बेवकूफ आदमी, चल हट रस्ते में से पागल जाहिल। जमाए बाबू, भले हम कितना ही कम समझते हो पर इतना जरूर समझते हैं कि आप लोग हमें क्या समझते हो। हाँ भैया, क्या हालचाल? अरे क्या बताएं, बहुत जान खाई हुई है हमारे मालिकों ने। यहाँ तो कभी राशन कार्ड मांगते हैं, कभी फोटो मांगते हैं, तो कभी कोई और पहचान पत्र। पर अब तुमसे क्या कहें, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, इतना अच्छा घर जो मिला है तुम्हें। हाँ हाँ वो क्या है ना, हमें अभी थोड़ा काम है, हम बाद में बात करते हैं। वही सब चीजें जो हमसे भी मांगी थी, पर मालकिन जी की बंदूक की कसम, हम इन लोगों को अपना कोई कागज नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें हमें इस घर से ही क्यों ना जाना पड़े। अजाब गजाब घर जमाई। बड़े लाल जी हमारी चाय कहाँ है? उठिए बड़े लाल जी, बहुत देर हो गई है। हाँ डॉली दीदी, बहुत देर हो गई है, अब हमें सोने दीजिए। ठीक है, हम चाय खुद ही बना लेते हैं। ओफो, चाय पत्ती। बड़े लाल जी, हमें चाय पत्ती नहीं मिल रही है, बताइए ना कहाँ है? शायद किसी ने चुरा ली होगी। हाँ? चाय पत्ती चुरा ली? नहीं पीनी है मैं चाय। गुड नाइट। अबे सांप के बच्चे यहाँ सो रहा है, 9 बज गए, उठ। अबे पूछ है ये तो, अबे फन किधर है? अबे उठ, उठ यहाँ से, मेरा कुर्ता कहाँ है नीला वाला? नाना जी किसी ने चुरा लिया होगा। पानी की टंकी तो नहीं चुराई किसी ने, हैं? पानी क्यों नहीं भरा? सो कैसे रहा राजा की तरह यहाँ पे? हे भगवान, अब इस घर में हम चैन की नींद भी नहीं ले सकते। क्या कर रहा? अब कहाँ चलती राजा बाबू की सवारी? हमारा सर फट रहा, बाहर जाके हम सैर पे जाते। कौन? ये ताला किसने लगाया? काले सांप, ये मेरे हाथों का जादू है। कल रात को अपने हाथों से इस गेट का ताला बंद किया मैंने। कुछ क्यों? मथुरा में हो रही है बहुत सारी चोरियां। घर की सुरक्षा के लिए और घर वालों की सुरक्षा के लिए लगाया था रात का ताला अपने हाथों से। अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? मोटर चालू कर, टंकी में पानी भर बेवकूफ आदमी। चला जा नहीं बाल छील दूंगा सारे। राधे राधे, सारे काम बनवा दे। काले सांप की लेनी है फोटो और इसके कागज। कोई बात नहीं, चिंटू चौटाला के पास बहुत सारी स्कीम है, कोई तो भिड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? फोटो खींच रहा है तुम्हारी और क्या। फोटो हमारी? पर क्यों? अरे बेवकूफ आदमी, पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि तेरी फोटो खींच के ना अपने तकिए के नीचे रखूंगा। भूत पिशाच से दूर रहने का इससे बड़ी कोई इलाज नहीं है भाई। आपने हमारी मर्जी के बगैर हमारी फोटो ली कैसे? ओ देखो देखो नाना जी, भूतों के प्रधानमंत्री के नखरे देखो, अकड़ देखो इसकी बेवकूफ आदमी की। अबे बेवकूफ आदमी, तेरी फोटो नहीं है, हम घर वालों के पास। कल को गुम हो गया तो फोटो दिखा के ढूंढते लाएंगे तुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बता बड़े लाल, मेरी वो फिरंगी घड़ी है मिली? हे भगवान, फिर वही घड़ी, कभी कुर्ता कभी घड़ी। नाना जी आप अपने जमाए राजा को पूछ लीजिए ना, ये भूतों से बात करते हैं, वो भूत ही बता देंगे आपकी फिरंगी घड़ी के बारे में। सही है, फोटो आ गई ना? आ गई आ गई आ गई। बस अंगूठे का निशान लेना है इसका बेवकूफ आदमी का। सही।
पागल हो गया क्या? कोई दस्ताने पहन के सफाई करता है? बड़े आए हमारे अंगूठे का निशान लेने वाले, पर हमने तो कोई गलती की नहीं। लोगों का क्या भरोसा? हाँ, हम अब अपनी उंगलियों का कोई निशान यहाँ नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि पूरा पागल हो जाए ना नानू, एक कागज निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है क्या? ब्यूटीफुल आइडिया है, बोले राधे राधे। राधे राधे, कमून आइडिया बता दे। उंगली से घी निकालने की, पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ जाती है। भगवान सॉरी, पर क्या करूं, आपने काले सांप जैसे ना टेढ़े आदमी बहुत बना रखे हैं, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। सॉरी। जान, मिलके काले सांप के कागज। अब इस घर से कोई जरूरत ही नहीं है, इस घर को अब हमारे कोई विश्वास ही नहीं करता हम पर। बड़े लाल जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप नींद से तो जागिए। अभी तो जागे हैं डॉली दीदी, हम समझते थे कि इस घर का हम एक अटूट हिस्सा है, अब सपना टूट गया हमारा। बड़े लाल जी, आप इस परिवार का अटूट हिस्सा ही तो है। अच्छा, इसीलिए कभी हमारे कागज, कभी फोटो, तो कभी अंगूठे का निशान लिया जा रहा। वो तो हम इसलिए कि पुलिस के पास हमारे कागजात भेज सके। पुलिस के पास? पागल है, ये कौन कह रहा पुलिस के पास? हम जानते हैं कि आजकल जो शहर में चोरियां हो रही है, उसके वजह से नौकरों से कागज लेकर पुलिस को दिया जाए, ताकि अगर घर में चोरी हो तो नौकर से और उसके घर वालों से पूछताछ की जा सके। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी हमें उसी श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगे। मालिक, हम चोर नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि चिंटू जमाई हमें पसंद नहीं करते हैं। किसने कहा कि चिंटू तुम्हें पसंद नहीं करता? नहीं नहीं, मतलब ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये तो हम सबको ही पता है। अब ये साड़ू भाई इनसे वो डॉक्यूमेंट्स और वो जो फोटोग्राफ मांग रहे थे वो जाके पुलिस स्टेशन में जमा कर देते। जमा तो करने हैं,
लेकिन पुलिस स्टेशन में नहीं, बैंक में। अब तेरा दिमाग खराब हो गया, नूडल जैसे बाल है तेरे, दिमाग होना चाहिए तेरे पास। अरे तेरा अकाउंट खोलना है बैंक में। बैंक में खाता? हाँ, और क्या, उसी के लिए तो कागज मांग रहे थे। है? तेरी फोटो भी खींची थी तो उसी के लिए खींची थी, और तेरा जो अंगूठा चाहिए था है? वो बैंक के फॉर्म पे चाहिए था, ताकि तेरा बैंक अकाउंट खुल सके और तेरी जिंदगी संवर सके, ये चाह रहा था चिंटू। और नहीं तो क्या बड़े लाल जी, बस चिंटू जी से ये गलती हो गई कि वो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, और इसीलिए तो हम सब आपको बिना बताए आपसे कागज और फोटो मांग रहे थे। पर बात कहां से कहां पहुंच गई। बड़े लाल जी, और आप ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं? बताइए क्या? हमें माफ कर दीजिए चिंटू जमाई जी, आप हमारा भला सोच रहे थे और हम आपको कितना भला बुरा कहें। दरअसल आप हम पर नहीं, हम ही आप पर विश्वास नहीं कर पाए। चल जान दे जहरीले, जान दे। मुझे नहीं पता कि तुझे पता है कि नहीं पता है, मुझे तेरी और तेरे जहर की आदत हो चुकी है, बिल्कुल भोले बाबा की तरह सेम टू सेम। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, पूरा विश्वास है कि जब भी नानी जी तानने के लिए बंदूक मंगाएंगी तो तू ही रेंगता हुआ जाएगा, बंदूक लाएगा और तू ही गोली भरेगा। और जब भी कोई विदेशी ताकत घर में किसी को भड़काने की कोशिश करेगी ना, तो बेवकूफ आदमी तू सबसे पहले झांसे में आएगा। सही है, सही है, सही है। लो लो लो, अच्छे तरीके से आंखें फाड़ फाड़ के देख ले, कहीं तेरी जायदाद हम सब लोग अपने नाम तो नहीं कर रहे, देख। अरे जमाई बाबू, हमें पूरा विश्वास है इस परिवार पर, और हमारा जो कुछ भी है वो इस परिवार का ही तो है। इस परिवार में ही आते हैं हम। अजाब गजाब